असलम नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वही स्टूडियो। नाजरीन, आज की खबर बहुत अहम खबर है जिसके बाद के बारे में मेरे पास वीडियो फुटेज भी मौजूद है, जो है नवाज शरीफ को लेकर खबर है कि नवाज और इसराइल को। उस खबर में वाज़े नज़र आएगा आपको कि इस खबर में वाज़े तौर पे आपको ये पता चलेगा कि नवाज शरीफ असल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये पूरा ख़ानदान इसराइली एजेंट है। एजेंट किस तरह है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने इसराइल से मंगवाई, किस किस सन में मंगवाई और इसराइल से किस तरह के मुआहदे इन्होंने किए। हत्ता कि जबकि हमारे पासपोर्ट पर एक वाज़े तहरीर लिखी है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा पूरी दुनिया में वैलिड है, तो इसराइल में हम लोग क्या करने के लिए गए, कौन से कानून के तहत ये लोग इसराइल जाते रहे और वहाँ से चीज़ें किस तरह मंगवाते रहे। तमाम डिटेल, तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ इमरान रियाज, सहाफत के बादशाह इमरान रियाज भी वापस आ चुके हैं, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी स्पीच कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। उनकी भी बारे में तमाम तर डिटेल के किस तरह वो एक सौ वो इतने दिन गायब रहे, वहाँ पे किस तरह कंडीशन रही उनकी, वो क्या चीज़ वहाँ पे सोचते रहे, क्या उनके माइंड में था, क्या चीज़ उन्हें ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ़ दे रही थी या कौन सी चीज़ उन्हें वहाँ पे ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी, वो भी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे घंटे के बटन को लाभ भी प्रेस कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और वॉच किया करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इस तरह की आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो नाज़रीन, पहली खबर की तरफ चलते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़ानदान है, जो जमात है, वो है नून लीग। हत्ता कि ये एक ही बयान था इनका कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है। हत्ता कि उसके कोई भी ऐसे सबूत वाज़े तौर पर किसी के पास नहीं है कि वो यहूदियों के साथ किस तरह का उसके कोई कारोबारी लेन देन की या उनके कोई दौरे किए, इस तरह कोई चीज़ वाज़े नहीं हो रही। हत्ता कि नून लीग की तरफ से ये चीज़ वाज़े हो रही है और ये पूरी एक किताब छपी हुई है, किताब में पूरी तहरीर डेट टाइम के साथ लिखी हुई है कि भाई ये लोग कब और किस वक्त इसराइल गए और इसराइल से कौन सी चीज़ किस वक्त इन्होंने परचेज़ की। वो वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वीडियो फुटेज देखिएगा, बाकी बात इसके बाद। रोजनामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वजारत उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी। जनाब, किस कानून के तहत इजाजत थी, क्या ताल्लुकात थे पाकिस्तान के इसराइल से, जवाब दें। ये किताब कह रही है पहली वजारत उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी जो अब पाकिस्तान में इनके कारखानों में नसब है। नवाज शरीफ खानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद है। ये मैंने हाईलाइट किया, जरा करीब कर रहा हूं ताकि आप ये ना समझें कि अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूं, किताब कह रही है। नवाज शरीफ खानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद है। नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफीर ब्राहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के, रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही है, किताब जंग अखबार का रेफरेंस दे रही है, मैं नहीं कह रहा। नवाज शरीफ के नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफीर ब्राहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में कम अज कम 4 मरतबा इसराइल का जाली दस्तावेजात के जरिए खुफिया दौरा किया और टेक्सटाइल मशीनरी का सौदा करने के अलावा रायगंज के अपने जरिए फार्म के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी हासिल की। शहबाज शरीफ ने इसराइल के तीन दौरों में 7 स्पिनिंग यूनिट्स का सौदा किया। बाद हजार ये मशीनरी जिसकी एलसी लंदन में खोली गई, कब्रस लाई गई, ये मुल्क का नाम है, यहां इसकी ब्राह्मण कुनिंदा कंपनी का नाम तब्दील किया गया और फिर बहरी रास्ते से ये मशीनरी पाकिस्तान लाई गई। इस किस्म के जाली काम ये करते रहते हैं। आगे क्या है, इसी दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के एक नौजवान ने इसराइली इलाके अक्कू का दौरा किया जहां यहूदियों ने बागात लगाकर दुनिया का बेहतरीन फल पैदा किया है। इस दौरे में उन्होंने राय वेंड के जरी फार्म के लिए इसराइल की जरी टेक्नोलॉजी हासिल की। अब गौर से सुनिएगा, यह भी मालूम हुआ है कि माजूल वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ ने जासूसी का निजी निजाम, अपना यानी जाती प्राइवेट निजाम, एजेंसियों का नहीं, निजी निजाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात भी इसराइल से हासिल किए थे जिनके जरिए न सिर्फ एक जगह बैठकर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोनिक गुफ्तगु को सुना जा सकता है बल्कि खानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठकर किसी खास कमरे में हो रही गुफ्तगु भी तार का कोई निजाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना
छुपकर ऑडियो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना इस शरीफ माफिया नामी खानदान का पाकिस्तान के अंदर पुराना कारोबार है और ये खानदान हमेशा से बरादर ये वीडियो फुटेज भी आपने देख ली, इसमें तमाम चीजें पता चल रहा है कि 1993 से लेके अब तक इनके ही बरासल हैं इसराइल के साथ। और भैया शहबाज शरीफ साहब इसराइल गए भी हैं खुद और इनके खानदान का एक फर्द भी इसराइल गया है। क्यों? जाति उबरा में जो इनका अपना घर है रायगढ़ में उसकी फार्म के लिए एक मशीनरी वहाँ से लेके आए हैं और मशीनरी कैसे तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल गई। अब आते अगली खबर की तरफ। अब रहा रिया सहाफत का बेताज बादशाह मैदान में आ चुका है और अपने पहले ब्लॉग में जो जो बातें उन्होंने की कि वो 128 दिन रहे और वो खुद को इस तरह समझते रहे कि बस अब गेम एंड है, इससे आगे कोई गेम नहीं है। और जब बिया शाक ने उसे पूछा, उसे सवाल किया कि क्या आपको पता था कि इतने हज़ारों लाखों की तादाद में लोग, करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए दुआएं कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हाँ मैंने कुरान को पढ़ा और कुरान में मैंने एक आयत पढ़ी और उसमें लिखा था कि हमने अल्लाह की तरफ से लिखा था कि उन्होंने ये भी कहा कि कभी पेशी के लिए मैं बात अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि कभी पेशी इंसान हो सकती है। और साथ में उन्होंने कहा कि वहाँ पर साफ लिखा था कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी और ये मेरे अल्लाह की तरफ से अवाम के दिलों में मेरी मोहब्बत थी जो पैदा हुई, जिस पर उन्होंने मेरे लिए दुआई की। तो नाज़रीन ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो देखिएगा। बाकी बात बात सोचा था कि ये हो जाएगा। हाँ बता था ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा। ये आइडिया नहीं था मुझे, ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पे मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है, तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा। मर्जी है। तो क्या अंदाजा है कि पाकिस्तानी अवाम ने और खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी ने, जितने पाकिस्तानीज हैं ओवरसीज, देर आर अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब है, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस लेवल पे, किस हद तक और किस तसलसल के साथ जो है उन्होंने आवाज बुलंद की है इमरान रियाज के लिए? क्या कभी सोचा है कि अब इन कभी बचपन में सोचा और जवानी में सहाफती जिंदगी में आने के बाद कि कोई ऐसा लम्हा भी जिंदगी में आएगा कि, या कोई इतनी तवक्को हो गई कि लोग इस हद तक जो है वो अच्छी रिकग्निशन देंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे? क्या ईमानदारी से कोई ऐसा तसव्वुर था? अभी जब मैं ये दिन गुजार रहा था, 142 दिन बड़े लंबे होते हैं, मुझे 142वें दिन तक पूरा यकीन था कि लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे, पक्का। आपको पता है मैं एक दुआ मांगता था हर नमाज में, मैं कहता था या अल्लाह जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं वो कबूल कर, इस यकीन के साथ कि बहुत सारे लोग दुआ कर रहे होंगे। क्या ये अंदाजा है कि लोगों ने, यहां तक के उम्रे भी किए हैं, ये भी अंदाजा है कि लोगों ने किस हद तक जो है वो नवाफिल अदा किए हैं? ये अंदाजा है कि मैं इसमें पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि मेरे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोगों के वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं और उसमें बेशुमार बुजुर्ग खवातीन हैं, बेशुमार बुजुर्ग जो हैं वो मर्द हैं और उन्होंने रो रो के जो है वो मुझे वॉइस मैसेजेस किए हैं और ये कहा है कि हमने अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे हाजत मांगी है कि अल्लाह इमरान रियाज जो है वो हमारे पास वापस आए और जिंदा सलामत वापस आए। और इस हद तक जो है, यानी कि कोई मोहब्बत किसी सहाफी से, मतलब कभी तसव्वुर था कि किसी सहाफी से सहाफी जिंदगी में यहां तक भी ये नुमाया मकाम हासिल हो सकता है? लोगों के दिलों में घर कर जाना, लोगों का रोना, किसी सहाफी के लिए रोना, वही इस हद तक रोना? नॉर्मली ना हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते। मैंने बड़ा डिटेल में, मुझे मौका मिला कुरान पाक पढ़ने का, मैंने पहले भी तफसीर पढ़ी है फिर दोबारा दोबारा पढ़ी है। एक गज़वा अहज़ाब था जिसे हम गज़वा खंदक भी कहते हैं, कुरान पाक की एक सूरत में उसका पूरा वो जिक्र है। तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, लेकिन मफहूम मैं आपको बताता हूं कि वहां अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी और अगर तुम दुनिया भर की दौलत भी खर्च कर देते ना तो ये नहीं कर सकते थे। तो जो ये है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इस पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना वो उतना ही कम है। अगर कोई मेरे से प्यार करता है और मेरे लिए दुआ करता है तो
मैं उसका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। अभी ये जीबी से आए थे बच्चे, उन्होंने मुझे ये टोपी भी गिफ्ट की है थोड़ी देर पहले यहां पे, तो मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन ये मेरे अल्लाह की देन है, उसकी मेहरबानी है, वो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करता है। तो मैं तो पहले ही कर्ज ही था, इन लोगों का कर्जदार था, अभी इन्होंने बहुत दुआएं की हैं। मुझे तो बाद अवकात लगता था कि बस काढ़ी मुक गई है, अभी यहां से आगे क्या चलेगा। आपके सामने था मैं, जिंदा लाश की तरह ही था जब आपको पहले दिन मैं मिला हूं, तो इससे भी गई गुजरी हालत मेरी रही है। तो वो मुझे बाद अवकात लगा कि नहीं बस यहां तक ही थी कहानी, इसके बाद कोई और लिखेगा, इसके आगे मैं नहीं चलाऊंगा। दिल में और रब जाने उसका काम जाने, काम जाने। तो राधे ने ये वीडियो भी देखी आपने बना रहे, आज की किस तरह वो कॉन्फिडेंस से अब बात कर रहा। अल्लाह करे वो मजीद सेहत याब हो और हमारे साथ इस तरह मजीद अच्छे व्लॉग बनाए और अपनी सहाफत को लेके आगे चले, ताकि हम भी उन्हें देखते हुए कुछ ना कुछ अच्छा सीखें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।